हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभास मिश्रा पर। दोस्तों, यदि हम मुजफ्फरपुर जंक्शन के इतिहास को देखें तो यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहा है। पॉजिटिव बात तो यहां पे ये रही कि मिथिला की पहली सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्वतंत्रता सेनानी की शुरुआत यहीं से हुई थी और जितनी भी नई नई ट्रेनें हैं अधिकतर की शुरुआत मुजफ्फरपुर से ही होती है, लेकिन फिर इनका एक्सटेंशन होने लगता है। चाहे हम बात करें स्वतंत्रता सेनानी की जो अब जयनगर से चल रही है, पवन एक्सप्रेस की जो वाया दरभंगा होते हुए जयनगर जा चुकी है, या फिर हम बात करें अवध एक्सप्रेस की जो कि बरौनी जा चुकी है। अब दोस्तों यहां पे एक और बड़ा इनडायरेक्ट झटका लगने जा रहा है मुजफ्फरपुर जंक्शन को, लेकिन ये जो डायरेक्ट झटका होगा ये मुजफ्फरपुर जंक्शन का नहीं होगा बल्कि उसके पड़ोसी बरौनी जंक्शन को होने वाला है, क्योंकि वहां से एक ट्रेन का एक्सटेंशन होने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि यहां पे हमारी भारतीय रेलवे किस ट्रेन का एक्सटेंशन करने जा रही है और सबसे खास बात इस ट्रेन का एक्सटेंशन करने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों इस ट्रेन का एक्सटेंशन किया जा रहा है, पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों इससे पहले वीडियो करूं मेरा आपसे आग्रह, यदि अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय भी जरूर बताएं कि क्या इस ट्रेन का एक्सटेंशन सही है या नहीं। और कोई भी सुझाव शिकायत आपका है तो आप इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो दोस्तों अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यदि हम यहाँ पे ट्रेन की बात करें तो ये ट्रेन है ट्रेन संख्या 0948384 अहमदाबाद से मुजफ्फरपुर को चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि पहले मुजफ्फरपुर तक चलती थी। दिसंबर में इसका एक्सटेंशन बरौनी तक किया गया। अब दोस्तों इस ट्रेन का एक्सटेंशन बरौनी से आगे सहरसा तक किया जाएगा और दोस्तों इस बीच में इस ट्रेन के कुल 3 स्टॉपेजेस होंगे। सहरसा के बाद मानसी, खगड़िया, बेगूसराय होते हुए ट्रेन बरौनी जंक्शन तक आएगी। लेकिन दोस्तों इस ट्रेन का एक्सटेंशन की जरूरत क्या पड़ी, तो यहाँ पे सबसे पहला कारण है कि इस ट्रेन की जो सीटें हैं वो खाली चल रही हैं। यदि आप कल का भी टिकट इस ट्रेन में लेने जाओ तो आपको आराम से मिल सकती है, चाहे हम बात करें स्लीपर की या फिर एसी कोचेस की। ये ट्रेन पूरी तरीके से भर के नहीं जाती है जिस कारण से रेलवे को यहाँ पे रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, और साथ ही साथ ये ट्रेन करीब 24 घंटे तक बरौनी जंक्शन में खड़ी रहती है। इस ट्रेन के आने का समय 6:40 पे है बरौनी जंक्शन से और अगले दिन ये ट्रेन 7:20 शाम में चलती है, यानी कि 24 घंटे का ले ओवर टाइम है जो रेलवे कम करना चाहता है। यदि इस ट्रेन का सहरसा तक एक्सटेंशन किया जाता है तो यहाँ पे 5 घंटा कम हो जाएगा जिससे रेलवे का भी रेवेन्यू बढ़ेगा और साथ ही साथ रेलवे पे जो बोझ है ट्रेनों का वो भी कम हो जाएगा। दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आज क्लिप से इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।